नमस्कार, आप है सिटी 24 न्यूज के साथ हर पल नई खबर। सुपर फास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की नई खबर। कश्मीर के पुलवामा हमले के बाद आज पाकिस्तान की जमीन पर भारत के द्वारा किए गए हमले से पूरे देश में हर जगह दौड़ी खुशी की लहर। नरकटियागंज ABBP के छात्रों द्वारा भारत माता की जयकारे के साथ जुलूस निकाला गया। गोपालगंज थाने में श्रीपुर ओपी अंतर्गत सोनहीपति गांव में शनिवार की रात हुए 10 वर्षीय अंकित कुमार के संदेह सात स्थिति में मौत होने से तथा देर शाम की सदर अस्पताल से पोस्टमार्टम लौटकर आने के बाद सोमवार को बथुआ मुख्य बाजार में शव को रखकर ग्रामीणों ने आगजनी और विरोध प्रदर्शन किया। सिटी 24 न्यूज के लिए गोपालगंज से संदीप कुमार की रिपोर्ट। यहाँ पर हम एक प्रोग्राम में जा रहे थे, ये बथुआ से डेरवा में जाना था मुझे, एक प्रोग्राम था डेरवा से होते हुए मुझे सलीमगढ़ जाना था। देखा फिर यहाँ पे जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पे चक्का जाम वगैरह किए हैं, जो बथुआ चौक है, तो उतरता तो पता चलता है कि कल शायद किसी एक छोटा सा बच्चा था बहुत ही मासूम, उसकी किसी ने मतलब उसका किसी ने मर्डर कर दिया है, उसी को लेके मतलब यहाँ पे चक्का जाम किए हुए हैं। और जो जो उसके परिजन हैं प्लस जो स्थानीय लोग हैं वो डिमांड कर रहे हैं कि जो सरकार द्वारा जो मुआवजा राशि मिलनी चाहिए उस पीड़ित परिवार को मिले, और जो स्पीड ट्रायल करके जो मतलब एक्यूज जो आदमी है, शायद ये बता रहे हैं कि कल निमली FIR हो चुका है, तो जो एक्यूज्ड है उसको मतलब फांसी की सज़ा दी जाए। अभी हमारी DM साहब से बात हुई है, आपके सामने ही हुई है, तो DM साहब ने आश्वासन दिया है जितना जल्द से जल्द हो सकता है किसी को जो प्रशासन जो भी अधिकारी या पदाधिकारी है उसको भेज के इस मामले को मतलब सब इस बात ख़त्म करने का, प्लस जो भी पीड़ित परिवार है उसको मतलब कुछ मदद मिल जाए। बस और यहाँ से और ये स्थानीय जितने भी